कुशीनगर में जाली नोट गिरोह का खुलासा। सपा नेता रफी खान मुख्य आरोपी। गिरोह के पास से मिले 5,62,000 के नकली नोट। राजनीतिक हलचल तेज, सपा ने आरोपों को नकारा। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कुशीनगर पुलिस ने इंटरनेशनल जाली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है और इससे गैंग के 10 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक नेता है और इस गैंग को वो चला भी रहा था। पुलिस ने सपा नेता और उसके गैंग के 5 सदस्यों के पास से 5,62,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 10 तमंचे और 4 सुतली देसी बम के अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान को बरामद भी कर लिया। आपको बताएं कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्य को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों में से कुछ स्थानीय निवासी हैं जबकि अन्य दूसरे राज्य से आए हुए। पुलिस ने यह बताया है कि गिरोह का सरगना एक राजनीतिक नेता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। उसकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन ये जानकारी मिली है कि वो किसी गिरोह का मुख्य संचालक भी था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह जाली नोटों को खपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया करता था और गिरोह के सदस्य नकली नोटों को असली नोटों के रूप में उपयोग करने के लिए विभिन्न दुकानों और बाजारों में भेजते थे। इसके अलावा वो इन नोटों को ऑनलाइन लेन देन में भी उपयोग किया करते थे और पुलिस ने ये बताया है कि जाली नोटों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि आम जनता को इसकी पहचान करना बेपनाह मुश्किल होता जा रहा था। अब आपको सुनवाते हैं कि कुशीनगर के पुलिस अधिकारी संतोष कुमार मिश्र ने इस विषय पर लेकर आखिर क्या कहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकोहीराज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इलाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असलाह है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकोहीराज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। दरअसल कुशीनगर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने को लेकर गुप्त सूचना के तहत कार्रवाई की है और पुलिस ने पहले से ही इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी और अब उन्हें ठोस सबूत मिले हैं तो उन्हें छापेमारी भी की गई। इस छापेमारी में पुलिस ने कई स्थानों के ऊपर एक के साथ कार्रवाई की है और गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने ये कहा कि हमने इस गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी आरोपी कानून के कठोर दायरे में आए। उन्होंने ये भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके अन्य सहयोगियों और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जाली नोटों का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि ये समाज के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे बाजार में अस्थिरता आती है और आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि वो इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधियों के ऊपर काबू पाया जा सके। पुलिस विभाग अब इस पूरे मामले में आगे की जांच की योजना बना रहा है और इसी के तहत वो अन्य राज्यों में भी छापेमारी कर सकता है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा जा सके। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि वो जाली नोटों की पहचान करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे ताकि आम जनता को इस खतरे से बचाया जा सके।
कुशीनगर पुलिस के द्वारा जाली नोट खपाने वाले इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने में भी मदद करने वाला। पुलिस की तत्परता और सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि वे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब ये देखना होगा कि अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने में भी सफलता हासिल कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए और छोटी बड़ी हर खबर के लिए आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।